युवाओं से लेकर वृद्ध तक उत्साहपूर्वक मतदान में लिया भाग। सारण जिले में 8वें चरण का पंचायती चुनाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत बनियापुर एवं लहलादपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का जन सैलाब उमड़ा दिखा। बताते चले कि सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तथा निरंतर बिना बाधा के चल रही थी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ नजर आई। प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मतदान केंद्रों का मुआयना करते नजर आए। कुछ नए मतदाता जो पहली बार अपना मतदान कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी उत्साह दर्शाया, तो वहीं चुनाव से पूर्व हुए प्रखंड के अंदर घटनाएं से भी लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन पुलिस प्रशासन को देख वोटरों के अंदर से डर चीज का नाम खत्म हो गया था और काफ़ी उत्साहपूर्वक अपना मत का प्रयोग करते नजर आए। प्रखंड क्षेत्र के सतुआ में चुनाव से एक दिन पहले हुए मुखिया प्रत्याशी के गाड़ी पर हमला को देखते हुए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही साथ क्षेत्र के सभी बूथों पर पेट्रोलियम पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी, जो क्षेत्र में भ्रमण करते नजर आए। मौके का जायजा लिए हमारे सारण ब्यूरो चीफ चंदन कुमार चंचल ने, देखिए खास रिपोर्ट। पंचायत की सरकार बनाने के लिए त्रिस्तरीय चुनाव बिहार में चल रहा है। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण में और सारण में 8वां चरण के चुनाव को मतदान चालू है सुबह 7 बजे से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और सुबह से ही यहां पे कतारें में लगी हैं मतदान देने के लिए महिलाएँ से लेकर पुरुष तक। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह पूरे सारण में बदलाव का लहर दिख रहा था कि बनियापुर में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ से वोटरों से लोकल से बात करेंगे और पुलिस प्रशासन भी लगाई गई है, उनसे बात करेंगे कितने बजे से मतदान चल रहा है और कौन कौन सी लोगों को अंदर जाया दिया जा रहा है वोटर के अलावा, और हमारे साथ लोग वोटर हैं उनसे बात करेंगे। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ? 10 मिनट से। कब से खड़े हैं? 10 मिनट से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिले से जिला प्रशासन भी आ चुके हैं हम लोग का समझ, और आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पे जो मतगणना है वो चालू है और पूरी शांतिपूर्वक से यहाँ पे मतदान हो रही है। और पुलिस प्रशासन में उनसे भी बात करेंगे कि बनियापुर में विधानसभा में जो चुनाव सुबह 7 बजे से जने आए हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, मौका मिल रहा है हमें बदलाव करने का। क्या बदलाव का लहर दिखेगा बनियापुर? बिल्कुल दिखेगा, सारी जनता में दिख रहा है बदलाव का लहर, यहाँ भी दिखना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। बदलाव तो हर जगह, परिवर्तन संसार का नियम है, आपको पता है। परिवर्तन जब संसार का नियम है तो परिवर्तन जरूरी है। हर दिन आदमी को चेंज करना चाहिए, अपने जैसे खुद में चेंज लाते हैं तो हर दिन जैसे 5 साल हो गए, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए और चेंज हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे की चीज़ों को छोड़ना चाहिए और छोड़ते हुए तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूँगा कि रॉकेट जब जाता है अंतरिक्ष में, आसमान में, तो जो अननेसेसरी चीज़ें होती है उसे क्या करता है, पीछे छोड़ देता है, तब वो गतिमान हो जाता है और गतिमान हो जाता है फिर अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। तो वैसे ही मेन मुद्दा यही है, हमारा मोरल स्टोरी यही है कि बदलाव जो है जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय कुमार साहब। पहली बार मत देने आए हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कब से खड़े हैं? 10-15 मिनट। क्या बनियापुर प्रखंड में बदलाव का लहर दिखेगा? दिखेगा। क्या नाम पड़ेगा? संगीता। 16 नंबर है। पहली बार मत देने आए हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी को चयन करना चाहते हैं? जो अच्छे जो हो, शिक्षित हो। क्या बदलाव का लहर दिखेगा? जी एकदम दिखेगा। कब से खड़े हैं? हम तो यहाँ आधे घंटे हुए। आधे घंटे हुए। क्या नाम पड़ेगा आपको? प्रभात कुमार। मैं तो